तो दोस्तों आप सबों को मेरे ओर से नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो में आप सबों को मैं बताना चाहूंगा, साहिबगंज में हवाई अड्डा बनने वाला है, ठीक है। उसको लेकर के सरकार ज़मीन खरीदने पर है, यानी कि कोई आदिवासियों का ज़मीन को कैप्चर करने जा रही है। तो दोस्तों आदिवासियों का मीटिंग कुछ इस प्रकार हुआ, आप सबों को मैं दिखाता हूँ कि आदिवासी लोग किस प्रकार विरोध कर रहे हैं कि हम सरकार को ज़मीन नहीं देंगे, हम अपना जान दे देंगे, हम अपने आप को कुर्बान हो जाएंगे मगर एक इंच ज़मीन नहीं देंगे। इसमें आदिवासियों का क्या भूमिका है, तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आप सबों को दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों आदिवासियों का ज़मीन यूँ ही आप लोग देखते होंगे, हर दिन कुछ ना कुछ लूटा जाता है, ठीक है। बहला फुसरा करके ये प्रोवाइड करेंगे, वो सुविधा देंगे, ये तरह तरह के प्रलोभन आदिवासी यों को दिया जाता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबों को दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार आदिवासी लोग विरोध करें, ठीक है। संतला प्रांगण के अंतर्गत आता है ये। तो दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि आदिवासी लोग किस प्रकार अपना जो होता है ना तीर धनुष भाला जो भी है जो कि आदिवासी लोग इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, तो सारे लोग रोड पे निकले हुए हैं और रैली करते हुए चिल्ला रहे हैं हम एक इंच ज़मीन नहीं देंगे, हम अपने आप को कुर्बान हो जाएंगे मगर हम ज़मीन बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। हमारे आदिवासियों का जज्बात को मैं सल्यूट करता हूँ यार, कितना औकात है, जज्बात है हमारे आदिवासियों में कि ऐसे मतलब देखो सरकार ज़मीन लेना चाहती है। देखो आदिवासी हजारों हजारों साल से ज़मीन पर आते हैं, ठीक है, और आदिवासियों का ज़मीन छीना जाता है तो आदिवासियों को किस प्रकार का फील होता है। जैसे कि एक तो आदिवासियों का कुछ जॉब वगैरह नहीं रहता है, वे अपने खेती बाड़ी में डिपेंड रहता है, ठीक है, अपना ज़मीन जायदाद पर डिपेंड रहता है, उसी से वो लोग कमाते खाते हैं, ठीक है, और अपना परिवार को चलाते हैं, ठीक है। और सरकार इस प्रकार का जो भी आइडिया वगैरह लाती है कि आदिवासियों का ज़मीन में ही हम हवाई अड्डा बनाएं, ये तो सरासर गलत है भाई। क्योंकि देखिए भले ही डेवलपमेंट के लिए कुछ भी हम लोग बना देते हैं लेकिन ऐसा ज़मीन को भी चॉइस करो जहां आदिवासियों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए आदिवासी आदिकाल से इस देश में रहते हैं, ठीक है, तो उनका मान सम्मान, उनका बात मर्यादा को भी हमें बनाए रखते हुए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में आदिवासी ही इस भारत यानी कि इस झारखंड इस भारत के या वर्ल्ड के हम लोग बोले तो ये लोग पुराने आदि में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग के इस विषय में आप लोग क्या अपना राय तर्क बताना चाहते हैं तो हमें वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट में ज़रूर दे सकते हो। तो आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। तो कुछ इस प्रकार वहाँ पर हुआ था दोस्तों, आप सबों को रैली वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है। माफी मांगे खून, तो इस माफी को बचाने के लिए अगर खून बहाने का जरूरत पड़ेगा हम लोग खून बहाएंगे।